हाय गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अपने घरों पे ठीक हो। चलिए गाइस, मैं देखती हूँ यू वर्सेस देम, आपकी फीलिंग्स और आपके पार्टनर की फीलिंग्स, ठीक है? चलिए पहले मैं कार्ड अच्छे से शफल कर लूँ। आपके पार्टनर लड़का है या लड़की है, ठीक है, वो आपको पता है। सेम जेंडर वाले भी देख सकते हैं और मेल फीमेल के लिए, दोनों के लिए जरूरी है। मैरिड अनमैरिड सब देख सकते हैं। वो आपने देखना कि आपके साथ कितनी रेजोनेट हो रही है आपकी फीलिंग्स और आपके पार्टनर की फीलिंग्स, ठीक है? चलिए कार्ड आ गए हैं, ये दो कार्ड आपके लिए और अब मैं आपके पार्टनर के लिए निकालूंगी, ठीक है? यू वर्सेस देम की ये रीडिंग है। निकाल लीजिए डिवाइन, प्लीज दो कार्ड दीजिए। ओके, एक कार्ड आ गया और एक और लेंगे। चलिए गाइस, ओपन हो गए कार्ड। मेरा दिल नहीं करता, जो कार्ड ओपन हो जाते हैं ना, पता नहीं क्यों मेरा दिल नहीं करता वो कार्ड लेने का, क्योंकि मैं चाहती हूँ। चलिए, और ये मैं आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी, ये हम बाद में देखेंगे, ठीक है? बॉटम ऑफ द डेक का है, वांट्स की एनर्जी आई है। ये कम्युनिकेशन का कार्ड है, ठीक है? आप दोनों ही एक दूसरे से कम्युनिकेशन करना चाहते हो, जहाँ से तो मेरे को दिख रहा है। ये आपकी एनर्जी है, ये आपके पार्टनर की एनर्जी है, लेकिन अगर मैं बताऊंगी हो सकता वाइस वर्सा भी हो सकती है। ये आपकी साइड हो सकती है, वो आपके पार्टनर की साइड भी हो सकती है, ठीक है? तो चलिए ये म्यूचुअल एनर्जी वाला हम साइड पे कर देते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि आपके दिल दिमाग में क्या चल रहा है। आपके पार्टनर का भी ओपन करते हैं, ठीक है? चलिए देखिए, यहाँ पे मेरे को ये दिख रहा है कि आप अपने पार्टनर के लिए वही सेम फीलिंग रख रहे हो जो आपके दिल में पहले थी। चाहे आप कांटेक्ट में, आपकी बातचीत हो रही है या नहीं हो रही है, लेकिन आपके दिल की जो फीलिंग्स है, जो प्यार है, जो उनकी केयर है, जो आपके दिल में इमोशंस है, वो बिल्कुल चेंज नहीं हुए। आप सेम वही, आपके दिल में, आपके दिमाग में सब कुछ वैसा ही है। क्योंकि मेरे को नहीं यहाँ पे दिखाई दे रहा कि टाइम के हिसाब से आप चेंज हो गए हो, या आपके पार्टनर मतलब के लिए आपका प्यार बदल गया है, या कुछ ऐसा वैसा मेरे को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन हाँ, एक चीज़ मेरे को दिखाई दे रही है कि कई मेरे व्यूवर्स ऐसे हैं जो अपने पेंटिकल पे, अपने वर्क पे भी ध्यान दे रहे हैं, लेकिन ये अच्छी बात है। और दूसरा, मेरे को आप दोनों में लॉन्ग डिस्टेंस लग रहा है कि आप दोनों का जो रिलेशनशिप है वो लॉन्ग डिस्टेंस है। और कईयों का तो मेरे को ऐसा भी लग रहा है कि आपके पार्टनर हो सकता है अब्रॉड है, ठीक है? ऐसा भी मेरे को दिखाई दे रहा है, लेकिन डिस्टेंस तो है, डिस्टेंस वाले मेरे को थोड़े ज़्यादा दिख रहे हैं। ये चीज़ दिख रही है क्योंकि आप और राशि का अगर मैं यहाँ पे बताऊँ तो यहाँ पे है टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन राशि है यहाँ पे, ठीक है? तो ये चीज़ मेरे को दिख रही है कि आपके दिल में आज भी उतनी ही फीलिंग्स है, उतना ही प्यार है, और आप आज भी अपने पार्टनर को प्रोटेक्ट करना चाहते हो, आज भी उनकी उतनी ही केयर करते हो। अगर आपकी बातचीत नहीं हो रही तब भी आपको यही दिमाग में रहता है कि पता नहीं वो कैसे हैं, किस साल में है, या कभी कभी आपको ये भी डर लग रहा है कि कहीं वो किसी और के साथ आगे मूव तो नहीं हो गए। मतलब दिमाग में कुछ ना कुछ थॉट चलते रहते हैं, ठीक है? ऐसा मेरे को दिख रहा है। आपकी फीलिंग्स कम बिल्कुल भी नहीं हुई गाइस, आप बहुत मिस करते हो अपने पार्टनर को। आप दिन रात यही सोचते रहते हो कि कब आपके पार्टनर आपके पास आए, आपसे बातचीत करें या आपसे कम्युनिकेट करें, क्योंकि आपके लिए सारा जो ब्रह्मांड है ना, वो आपके पार्टनर में है। आपको ये लगता है क्योंकि आपने उस इंसान को एक भगवान की पदवी दे दी है। कई लोग तो ऐसे जिन्होंने अपने पार्टनर को भगवान तक मान लिया, ऐसा मेरे को दिखाई दे रहा है। ये आपकी फीलिंग्स है। लेकिन जो इन लोग आगे बढ़ रहे हैं अपने पार्टनर की, मैं ये नहीं बोलूंगी कि उनको याद मत करो या उनको पूछो मत या उनसे बात, ये नहीं बोलूंगी, लेकिन जो लोग इस चीज़ से निकल के थोड़ा सा अपने वर्क पे ध्यान दे रहे हैं, अपने मतलब स्किल्स पे ध्यान दे रहे हैं या अपनी ग्रोथ पे ध्यान दे रहे हैं, बहुत अच्छी चीज़ है, आपको करना चाहिए। आपको एक ही चीज़ में स्टक होके नहीं रहना, ठीक है? चलिए अब आपके पार्टनर का देखिए। आपके पार्टनर का मेरे को ज़्यादातर ध्यान जो दिख रहा है ना, वो अपने पेंटिकल पे ज़्यादा दिख रहा है। मैं झूठ नहीं बोलूँगी, यहाँ पे मेरे को ये लग रहा है कि आपके पार्टनर अपनी ग्रोथ पे ध्यान दे रहे हैं। देखिए, आप, मैंने बोला ना कि जो आप हो, आप कई लोग ऐसे हैं जो अपने ग्रोथ पे ध्यान दे रहे हैं, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो अभी भी अपने पार्टनर में स्टक हैं, उनको याद कर रहे, रो धो रहे हैं, हर वक्त फ़ोन चेक कर रहे हैं, उनकी बात मैसेज आया नहीं आया, नो कॉन्टैक्ट, हम मेरे को अनब्लॉक किया नहीं किया, मतलब ऐसे ही रोने धोने में लगे हुए, अपनी जो मतलब जो एक टाइम है ना उसको वेस्ट कर रहे हैं। वेस्ट नहीं बोलूंगी, मतलब उस चीज़ को मैं, सॉरी ये मत माइंड मत कीजिएगा कि मैंने वेस्ट बोला। वेस्ट का मतलब ये है कि मतलब ठीक है, मैं मानती हूँ कि एक जगह पे प्यार है, लेकिन इतना भी मत करिए कि अपनी लाइफ बर्बाद कर लो। मेरे कहने का ये मतलब है,
लेकिन जहां भी अगर मैं देखूं तो आपके पार्टनर तो भैया पूरा ध्यान उनका, मतलब ये नहीं बोलूंगी कि आपको प्यार नहीं करते, देखिए मैं डिनाई नहीं करूंगी। और जहां पे अगर मैं राशि की बात करूं तो टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन राशि है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को ये दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर का अभी जो मेन मकसद है इस वक्त, सिर्फ और सिर्फ अपने करियर पे, अपने करियर पे फोकस कर रहे हैं, अपने पेंटिकल को इम्प्रूव कर रहे हैं आपके पार्टनर, क्योंकि आने वाले टाइम में वो एक स्टेबल इंसान बनना चाहते हैं और उनको हर ऐशोराम, हर लग्जरी लाइफ आपके पार्टनर को चाहिए, जिनकी वजह से इस वक्त वो एक इम्पायर बनाना चाहते हैं, सच बोलो तो। लेकिन मैं ये नहीं बोलूंगी कि आपके पार्टनर गलत है, बहुत अच्छी बात है अगर उनकी ये सोच है तो, अच्छी बात है, क्योंकि अगर आगे बढ़ेंगे तभी वो आपको स्टेबिलिटी दे पाएंगे ना, ये भी तो सोचो, ठीक है ना। ये चीज दिख रही है आपके पार्टनर की फीलिंग मेरे को। या अगर उनका जो, अगर उनके फादर का कोई बिजनेस है तो वो उनको आगे और ग्रो करके लेके जाना चाहते हैं, ये भी मेरे को दिख रहा है, ठीक है। चलिए, आप दोनों की म्यूचुअल, देखिए म्यूचुअल एनर्जी ये है कि आप दोनों के अंदर फीलिंग्स है, प्यार है, लेकिन वो अपनी चीज में कैद है, आप अपनी चीज में कैद हो, लेकिन आप दोनों उदास हो क्योंकि आप एक दूसरे को टाइम नहीं दे पा रहे। और दूसरा, आप लोगों के आसपास इतनी नेगेटिविटी हो चुकी है, या आपकी थॉट में इतनी नेगेटिविटी हो चुकी है कि आप अपने पार्टनर के लिए कभी कभी सोचते हो कि भी मतलब आता तो आए, जाता तो जाए, मतलब ऐसे थॉट्स कब। लेकिन आप प्रोटेक्टर वैसे ही हो, आप दोनों ही एक दूसरे की केयर करते हो, दोनों ही एक दूसरे के साथ वैसे हो। लेकिन यहाँ पे जो मेरे को दिख रहा है, कभी कभी ऐसे आपके दिमाग में थॉट्स आते हैं कि आना है तो आए, नहीं तो ना सही, जाता तो जाए, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। कभी कभी आपकी एनर्जी ऐसी हो जाती है, आप दोनों ही, लेकिन आप दोनों को, आपके पार्टनर को भी पता है कि मैं उसको टाइम नहीं दे पा रहा, ठीक है। लेकिन आपके पार्टनर ने, अगर आपको कुछ भी मेरे को दिख रहा है, लेकिन ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर का मेन फोकस इस वक्त जो है वो उनके करियर पे है, ठीक है। ये चीज मेरे को दिखाई दे रही है। और यहां भी मेरे को ये दिख रहा है कि कम्युनिकेशन आपके पार्टनर आपसे करना चाहते हैं और करेंगे भी आने वाले टाइम में। अगर नहीं हो रहा आपकी कम्युनिकेशन तो आपके पार्टनर आपके साथ कम्युनिकेट भी करेंगे, बहुत जल्दी करेंगे, क्योंकि ये कार्ड ही कम्युनिकेशन का है, ठीक है। तो ये है गाइस रीडिंग आपकी। चलिए डिवाइन से भी एक मैसेज लेते हैं, डिवाइन आपको क्या बोलना चाह रहे हैं। डिवाइन एक मैसेज दीजिए, इट्स अप टू यू डिसाइड नाउ। देखिए आपके ऊपर डिपेंड है आपने क्या करना है, क्या डिसाइड करना है आपने, आपने इस रिश्ते में झुकना है, आपने इस रिश्ते से मूव होना है, ये आप पे डिपेंड है। क्यों? क्योंकि देखिए वो इंसान अपने वर्क पे, अपने बिजनेस पे, अपने करियर पे फोकस है, ठीक है। तो ये अब आपने डिसाइड करना है कि आप में इतनी हिम्मत है कि आप इस रिश्ते में रुक सको, ठीक है, ये आपने देखना है। तभी डिवाइन बोल रहा है कि इट्स अप टू यू डिसाइड नाउ, आप डिसाइड कीजिए कि आपने आगे क्या करना है, ठीक है। तो गाइज, अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है, आपकी फीलिंग्स, आपके पार्टनर की फीलिंग्स, तो मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, बाय बाय।